हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अरविंद आर. नाउ वेलकम टू यू इन माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. टुडे वी हैव टू डिस्कस न्यूमेरिकल्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन. तो पिछली क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन पढ़ा था और प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो ध्यान से देखिए, काफ़ी बेसिक से स्टार्ट करेंगे. जीरो टू बेसिक से बहुत काफ़ी अच्छे लेवल तक जाएंगे हम न्यूमेरिकल्स में. तो देखते जाइए, आप एक एक करके इनको सबको नोट भी करते जाइए. तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन है, पहला एग्जांपल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन कूलाम ऑफ चार्ज, ऑन वन कूलाम ऑफ चार्ज, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन कूलाम ऑफ चार्ज. ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करते हैं इसको. सबसे बेसिक क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? तो बिल्कुल हम बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है, चार्ज गिवन है आपको, दैट इज क्यू इज इक्वल टू वन कूलाम. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको कैलकुलेट करने हैं और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये होता है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो देखिए, सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा क्यू इज इक्वल टू एन ई, दैट इज एन इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, क्यू अपॉन ई. अब अगर n इक्वल टू क्यू अपॉन ई बनेगा तो q तो 1 हो गया और e की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.6 इंटू 10 रेस टू दी पावर माइनस 90. ये भी कूलाम में और ये भी कूलाम में, दैट इज कोई इकाई नहीं होगी इसकी, कोई यूनिट नहीं होगी. यहाँ पे हमने ये डेसिमल से हटाया तो ऊपर 10 हो गया, दैट इज n इज वॉट, 10 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है? माइनस 19 को ऊपर लिखेंगे, पावर आपकी ऊपर लिखेंगे तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगी. नाउ अभी डिवाइड देंगे तो थोड़ा सा डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर प्रॉपरली नहीं होगा, तो हमने इसको यहाँ पे एक जीरो इसमें कंसीडर कर लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब, तो 18 हो गया. नाउ डिवाइडिंग इट, सो इट गेट द वैल्यू ऑफ एन इज 6.25 इंटू 10 रेस टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन. सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वन कूलाम ऑफ चार्ज. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वन कूलाम ऑफ चार्ज इज वॉट, 6.25 10 रेस टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ बॉडी पजिस 80 माइक्रो कूलाम पॉजिटिव चार्ज. अ बॉडी पजिस 80 माइक्रो कूलाम पॉजिटिव चार्ज then calculate number of excess or deficient electron on the body, number of excess or deficient electrons on the body, electrons on the body. Next question is, what is the next question? A body possesses 80 microcoulomb positive charge, then calculate the number of excess or deficient electron on the body. So now you have to given a positive charge of what, 80 microcoulomb, that is q is equal to 80 microcoulomb. So first of all we have to converted all the system in SI system, all the units in SI system. सबसे पहले जितनी भी आपको units given हैं उन सबको हम क्या करेंगे, SI में convert कर लेंगे. तो आपको 80 microcoulomb given है तो इसको हमने लिखा 80 into 10 raised to the power minus 6 coulomb.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं, एंड वी नो दैट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इज व्हाट 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब. नाउ सो वी नो दैट हियर क्यू इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस एन ई, सो एन इज इक्वल टू क्यू बाय ई, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू इज व्हाट, क्यू इज 80 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19. ठीक है, नाउ आप इसको सॉल्व करें तो ये माइनस 6 से इसको हमने कैंसिल किया, सो दिस इज माइनस 13, सॉरी हाँ माइनस 13, ये डेसिमल को रिमूव किया तो 800 हो गया ये. सो द वैल्यू ऑफ एन इज एन इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 16, और माइनस 13 को आपने लिखा तो ये 10 की पावर प्लस 13 हो गया. नाउ डिवाइडिंग इट, जैसे ही आप इसका डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 50, सो एन इज इक्वल टू व्हाट 50 इंटू 10 रेज टू द पावर 13, और वी कैन राइट इट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 14. अब नेक्स्ट वन इज आपसे पूछा क्या गया था कि कैलकुलेट एक्सेस और डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी. सो द बॉडी हैविंग 80 माइक्रो कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब कोई बॉडी लूज करेगी इलेक्ट्रॉनों को. बॉडी क्या करेगी, द बॉडी विल लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स, सो वेन एवर द बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स देन इट बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. कैलकुलेट नंबर ऑफ एक्सेस और डेफिशियंट इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी, सो वी कैन से दैट दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. ओके, द बॉडी विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस दैट नेक्स्ट एग्जांपल, अ 10 एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग इन ए वायर फॉर 10 मिनट्स. ठीक है, इफ 10 एम्पियर करेंट, इफ 10 एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग इन ए वायर, टेन एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग इन ए वायर फॉर 10 मिनट, देन कैलकुलेट फॉर 10 मिनट, सॉरी देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन ए वायर, number of electron transferred in a wire from its one end to other end. Okay, number of electron transferred from its one end to other end. Okay, so this is the question. Now, we discuss, this is also a very very simple question. First of all, you have to given that 10 ampere current is flowing in a wire. So, this is the amount of current is given to you and it is flowing for 10 minutes. The current is flowing in a wire for what? 10 minutes. Now the minute is standard unit of time is second. So first of all, minute is converted into second. जो time की standard unit है वो second है, तो सबसे पहले minute को second में convert करना पड़ेगा. So we know that 1 minute equal to 60 seconds. तो आपका ये 600 आ जाएगा. Now we have to calculate amount of charge. So Q is equal to I into T. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट, तो आई आपका 10 एम्पियर है, टाइम आपका 600 है,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6 × 10³ कूलाम। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। नाउ इसके बाद आप प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से क्यू इज इक्वल टू एन ई लिख सकते हैं। तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है क्यू बाय ई। एंड व्हाट इज द क्यू? क्यू इज 6 × 10³ डिवाइडिंग बाय 1.6 × 10⁻¹⁹। नाउ इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, सो वी हैव टू रिमूव दिस डेसिमल, देन दिस इज 60। ओके, माइनस इसको सॉल्व किया सो इट कम्स अराउंड एन इज इक्वल टू व्हाट? 60 / 16 × 10³ और −19 को आप रेस करेंगे पावर, तो 10⁻¹⁹ हो जाएगा। नाउ डिवाइड दें तो 3.75 अप्रोक्स। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर लें, 4 से कैंसिल कर दें तो ये 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स, तो 3.75 × 10⁻²⁰ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्लोस फ्रॉम वन एंड टू फ्लोस फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड फ्लोस फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ओके वन एंड टू अदर एंड ऑफ द वायर। ओके, सो व्हेन 10 एम्पियर करेंट फ्लोइंग इन ए वायर फॉर 10 मिनट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड 3.75 × 10⁻²⁰ फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड ऑफ द वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? ये आपका एनसीईआरटी एग्जांपल न्यूमेरिकल है, दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। ओके, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, क्या है ये? अ पॉलीथिन पीस इज रब्ड विथ बूल, अ पॉलीथिन पॉलीथिन पीस, अ पॉलीथिन पीस इज रब्ड विथ बूल, देन इट इज फाउंड दैट अ नेगेटिव चार्ज ऑफ अ पॉलीथिन पीस, सॉरी इसको वाई लिखें, अ पॉलीथिन पीस, पॉलीथिन पीस is rubbed with wool, a polythene piece is rubbed with wool, a polythene piece is rubbed with wool, then it acquire a charge of acquire a negative charge of it acquire a it acquire negative charge of negative charge of it acquire negative charge of 3 × 10⁻¹⁷ coulomb, then calculate number of electrons transfer, then calculate number of electrons transferred, number of electrons transferred from boule to polythene, number of electron transferred from boule to polythene, boule to polythene, फिर इसी में is there mass transferred if yes then calculate it. Okay, this is your question, NCERT numerical question है। A polythene piece is rubbed with bool, then it acquire a negative charge of 3 × 10⁻¹⁹ coulomb, then calculate number of electron transfer from bool to polythene,
एंड इज देयर मास ट्रांसफर्ड, इफ यस देन कैलकुलेट इट. ओके, सो नाउ वी हैव टू सॉल्व. दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो नाउ वी सॉल्व इट. यू हैव टू गिव इन वॉट, कैलकुलेट इट. ओके, सो यू हैव टू गिव इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द पॉलीथिन इज क्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलाम. वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बूल टू पॉलीथिन, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वॉट 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एन इज इक्वल टू क्यू बाय ई. सो द वैल्यू ऑफ क्यू इज वॉट 3 × 10⁻⁷ डिवाइडिंग बाय 1.6 × 10⁻⁹. अगेन एन इज यूनिटलेस बिकॉज चार्ज की यूनिट कूलाम, और यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो टेकन इन कूलाम. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हटाया आपने यहाँ पे, जीरो बढ़ा, -7 से इसको कैंसिल कर दिया तो -12. ओके, अब नाउ ये आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू 30/16, और -12 को आप 10^+12 कर सकते हैं. नाउ फॉर सॉल्विंग इट वी गेट 1.875 × 10⁻½ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बूल टू पॉलीथिन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बूल टू पॉलीथिन. ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बूल टू पॉलीथिन. इज देयर मास ट्रांसफर्ड, तो हमने ऐसा पढ़ा था कि जब भी आप रब करेंगे दो बॉडीज को तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी होगी उस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी उससे ट्रांसफर हो जाएंगे. सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. अब आपका यहाँ पर क्या होगा कि अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गई और एक नेगेटिव चार्ज हो गई, तो जो नेगेटिव चार्ज होगी उस पर इलेक्ट्रॉन गए तभी वो नेगेटिवली चार्ज हो गई. जैसे यहाँ पे पॉलीथीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और अगर पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज है इसका मतलब है कि इट गेन सम इलेक्ट्रॉन, एंड वेन एवर द बॉडी गेन वन इलेक्ट्रॉन देन देयर मास इंक्रीजेस टू 9.1 × 10⁻³ kg. अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आता है तो वो बॉडी क्या होगी, कितना मास बढ़ेगा उसका, 9.1 × 10⁻³ kg इतना मास बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 9.1 × 10⁻³ kg होता है. इस कारण से जैसे जैसे बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करती जाएगी वैसे वैसे उसका मास भी इंक्रीज होता जाएगा. तो आपसे पूछा था इज देयर मास ट्रांसफर्ड, तो यस मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बूल टू पॉलीथिन. क्या करेंगे इसका आंसर, यस मास ट्रांसफर्ड फ्रॉम बूल टू पॉलीथिन इज देयर मास ट्रांसफर्ड. सो ओके, मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बूल टू पॉलीथिन. एंड आपसे कहा था कि इफ मास ट्रांसफर्ड देन कैलकुलेटेड, सो वी हैव टू कैलकुलेट द मास ट्रांसफर्ड. So the mass transferred equal to mass transferred is equal to mass transferred equal to number of electron transferred, number of electrons transferred multiplied by mass of one electron. Okay. Now, so we can say that here, this is delta m, mass transferred is delta m is equal to delta m
मास ट्रांसफर इज कंसिडर्ड एज डेल्टा एम, सो वी कैन से दैट कि डेल्टा एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एन एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज वॉट एम ई. नाउ सो वी हैव टू कैलकुलेट द मास ट्रांसफर, सो मास ट्रांसफर इज कैन बी रिटर्न एज डेल्टा एम इज इक्वल टू वॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 1.875 into 10 raised to the power 12. This is the number of electron transferred and the mass of one electron is what? Mass of one electron is what? 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. Okay, so on solving it, we can write it is, this is 10 ki power 12. So this is 8 and now minus 19. Okay, and on multiplying 1.875 into 9.1, then we get 17.06 into 10 raised to the power minus 19 kg. This is your answer. Okay, what is it? 17.06 10 to the power minus 19 kg. This is the mass transferred from wool to polythene. Okay. तो इस टाइप से कुछ और न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. आज के लिए इतना ही. पढ़ के आइएगा. कीप स्टडी, कीप वॉचिंग. थैंक यू.